चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कस्बई गांव में घटित हुई। ये है मिथिलेश्वर। ये बताता है कि ये अभी अभी अपने हरियर काका से मिलकर आया है। हरियर काका से इसने कुछ पूछा, लेकिन हरियर काका ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने मिथिलेश्वर ने बहुत सी कोशिश की कि हरियर काका से वो बात कर सके, लेकिन हरियर काका ने उससे बात करना पसंद नहीं। मिथिलेश्वर ने अपनी माँ से पूछा कि हरियर काका किसी से बात करना पसंद क्यों नहीं करते। उनकी माँ ने उसे बताया कि जब वो छोटा था तब हरियर काका उसे दोस्त की तरह मानते थे। वह अपनी सारी की सारी बातें मिथिलेश्वर से शेयर किया कर। मिथिलेश्वर ने हमें ये भी बताया कि वो इस गांव में कुछ चंद लोगों को इज्जत दिया करते थे, उनमें से एक हरियर काका भी थे। मिथिलेश्वर की माँ ने मिथिलेश्वर को बताया कि जब वह छोटा था तब वो हरियर काका उनसे बहुत दुलार करते थे, वह सबसे ज़्यादा प्रेम मिथिलेश्वर से ही करते थे। एक पिता जितना अपना बच्चे से प्यार करता है उससे भी कई ज़्यादा हरियर काका मिथिलेश्वर से प्यार करते थे। हरियर काका मिथिलेश्वर के परम मित्र थे। हरियर काका की इतनी गहरी दोस्ती किसी से भी नहीं थी। वह मिथिलेश्वर से खुलकर बातें किया करते थे, किंतु अब मिथिलेश्वर के हॉस्टल जाने के आने के बाद से सब कुछ बदल गया। ना हरियर काका पहले जैसे नहीं रहे, वह अब किसी से बातचीत करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। सबको यह आश्चर्य हो रहा है कि हरियर काका जो एक छोटे से बच्चे के साथ सारी बातें शेयर किया करते थे, वो आज किसी से बातचीत करना क्यों पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मिथिलेश्वर से भी नहीं। क्या इनकी जिंदगी में कौन से गहरे राज छुपे हैं? ये अगर आपको भी जानना है तो देखिए आज की चर्चा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।